रिएक्शन फीडबैक मिला है, ना सिर्फ इंडस्ट्री के लोगों से बट यू नो इतने सारे जो फैंस हैं, इतने सारे लोग जो मूवीज़ के शौकीन हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसी फिल्म हमने बहुत समय से नहीं देखी है। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एंड जो ग्रैंडियर जो मतलब मैग्निफिसेंस है जो ट्रेलर में दिख रहा है, आई थिंक वो बहुत टाइम से नहीं देखा। सो इट्स ऑल बीन रियली रियली पॉजिटिव। बहुत लोगों के, इंडस्ट्री के लोगों के मैसेजेस भी आए हैं, कॉल्स भी आए हैं, एंड एवरीवन्स रियली एक्साइटेड। तो हमारी एक्साइटमेंट भी वो बढ़ रही है उसी वजह से। बट आई थिंक कलंक एक ऐसी फिल्म है वे मोर देन द इंडस्ट्री, हम सब चाहते हैं कि ऑडियंस को पसंद आए पहले। इंडस्ट्री तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होता है हम सबके लिए, बट दैट इज़ समथिंग विच यू नो, एक जब इतनी बड़ी फिल्म आती है तो ये हम लोग ने ऑडियंस के लिए बनाई है, पूरे देश के लिए बनाई है, बाहर के जो लोग देखेंगे उनके लिए बनाई है। सो वी हैव आई हैव अ लॉट ऑफ होप्स फ्रॉम मेनी डिफरेंट पार्ट्स दैट दे लाइक द फिल्म। या इट इज़, आई थिंक जिस तरह के द विजन द डायरेक्टर हैड, द वे ही वॉन्टेड टू माउंट द फिल्म, इट रिक्वायर्ड अ सर्टेन एक्सटेंडेड बजट विच प्रॉब्ली वी यू नो डिड नॉट हैव अर्लियर। बट आई ऑल्सो फील लाइक दैट्स वाई इट्स अ वेरी बिग कास्ट। इट्स यू नो देर आर लॉट ऑफ अदर एक्टर्स, you know, all the actors coming together, and it's not just the four of us, even apart from Madhuri ma'am and Sanjay Dutt, you know, we also have Kunal Khemu in the film, we also have Kiara in the film, all the actors are coming together to create this world, because I think everybody was very inspired by the director's vision. Toh hum usi ke saath chal rahe, and you know, sometimes when you have to kind of mount that scale, you do require that sort of budget. I think because he's very passionate about it. And there's no badnaami in this. I think it's nahi, in fact it comes very naturally to him. Wo marketing enjoy karta hai, and I think he's got a very positive energy, and he tries to you know, it's a very positive way he markets all his films, and he's just excited for the audience to go and see them, and that translates. And that's why they react to him also when he markets. I think he's gifted when it comes to marketing, and बहुत कम लोगों को वो foresight होता है कि एक film को कैसे पेश किया जाए, जिस तरह से वो एक मज़ेदार तरीके से सबका interest तो you know बांध के रखता है। I think that's very very nice, Varun. We are very proud of you. Thank you. You all four have been like, you all four have done many good movies and with big stars, but this time you are doing a multi-star film, and also we have Madhuri Dixit and Sanjay Dutt. So how it is different from other films, and how it is more challenging? यू नो, एक खासियत ये फिल्म के बारे में ये है कि इस फिल्म के जो निर्देशक है अभिषेक वर्मन, इट्स अ सेकंड फिल्म, इज़ अ वेरी यंग डायरेक्टर जिन्होंने इतनी बड़ी फिल्म बनाने की कोशिश की है। जो प्राइमरी स्टार कास्ट है इस फिल्म की, विच इज़ वी फो आपके सामने है, ऑब्वियसली दस माधुरी मैम एंड संजय सर हुआ लाइक द पिलर्स ऑफ दिस फिल्म, बट वी फो आर प्रीटी मच यंग एक्टर्स, एंड आई थिंक अभी तक हम में से कोई भी सुपरस्टार नहीं बने। ऑब्वियसली आई थिंक सोनाक्षी हैड वेरी वेरी बिग हिट्स ऑब्वियसली, बट नो obviously you've been part of very big films, but I'm just saying that all of us collectively together, this is all our careers biggest film in terms of budget, in terms of scale. To ek tarike se as young actors, this is pressure on all our shoulders that we have to deliver now, and we have to showcase that we can be part of magnum opuses. Hum log bhi wo deliver kar sakte hai, audience accept kar sakte hai, and with a young director. Aisa nahi ki director ne bhi 5-6 film bana liye, it's his second film, you have to understand. एंड हीरो फिल्म का हमेशा डायरेक्टर ही रहता है, उसका विजन है। सो दिस इज़, और अभिषेक ज़्यादा बोलते नहीं है, बट होपफुली आफ्टर कलंक यू ऑल विल नो द नेम अभिषेक वर्मा। सर, अभी जो बात आपने कही ना, आप बस जले पे नमक छिड़क रहे हो। डांस मैंने नहीं किया है इस फिल्म में, अनफॉर्चुनेटली, जितना भी मैं चाहती थी। सत्या का कैरेक्टर ही ऐसा है कि जो सिचुएशन में वो है, वो सॉन्ग एंड डांस का हिस्सा नहीं बन पाई। बट आलिया ने डांस किया है माधुरी जी के सामने, एंड आई थिंक दैट वुड हैव बीन अ सरियल एक्सपीरियंस फॉर हर, बिकॉज हर एक्ट्रेस कभी ना कभी उन्होंने माधुरी मैम को यू नो आइडलाइज, सो मच आइडलाइज किया है। करेक्ट, हमें इतनी रिस्पेक्ट है उनके लिए, एंड मैं बस इस बात से खुश हूँ कि आई एम यू नो आई
done a film with her in my lifetime, and to be a part of the same film as her is a complete honor. And actually supporting me, you know, whenever I was feeling a little nervous, it's something definitely I'll remember for the longest time, and a process that I've learned a lot from in my life. Well, पहले तो एक relief महसूस हुआ कि वो मेरे साथ नहीं dance कर रही है. फिर थोड़ी सी डर भी गई क्योंकि डांस नहीं करे पर वहाँ पे उनको खड़े रह के मुझे देखना था. तो देन आई गॉट कन्फ्यूज के व्हाट्स वर्स आई डोंट अंडरस्टैंड. बट रिएक्शन तो ऑब्वियसली आई वॉज ग्रेटफुल टू बी ऑनेस्ट. ये अपॉर्चुनिटी आई हैड टू कुड ओनली थैंक अभिषेक दैट थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू ए वर्क हार्ड ऑन माई सेल्फ एंड ऑल्सो शेयर दिस iconic moment with Madhuri ma'am, you know, in a song like I think Tiger is superb, Ananya and Tara are coming in this film, and I think me, Alia and Sid, I think equally proud and happy. Kabhi aisa maine kabhi socha nahi tha ki main ek film karunga aur uska sequel banega. Already banega. Itna jaldi wo bhi. It feels like bahut jaldi actually 6 saal ho gaye but it feels like very soon. Kyunki hame abhi tak log student bulate hain to shayad iske baad wo nahi mujhe lagta hai wo kabhi jayega nahi par you never know. जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी. भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे. भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है.